अमरावती हत्याकांड में सोहेल नदवी से पूछताछ जारी है। खबर है कि जांच टीम गिरफ्तार सभी आरोपियों के साथ पीएफआई के दोनों संदिग्धों को मुंबई लेकर जाएगी और आगे की तफ्तीश करेगी। सोहेल नदवी के भाई ने इंडिया टीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सोहेल नदवी के भाई मुजम्मिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एनआईए की टीम ने क्या पहले पूछताछ के लिए बुलाया था या सीधे घर पे आ गई? एनआईए की टीम जो है आज फौरन बगैर इत्तला के घर पर आई है। उन्होंने घर के सर्च भी लिए और इसका क्यों लिया, इसके असल रीज़न तो शायद मौली सोहेल जानते होंगे, मुझे नहीं पता इसके क्यों लोग आए थे करके। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोऑपरेट किया उनको और उन्होंने भी कहा कि घर से कुछ ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं जिस पर जो मशकूक हो। बिल्कुल, क्या करते हैं, मौलवी हैं मस्जिद में कहीं पे? मौलवी है लेकिन कॉस्मेटिक ज्वेलर्स की दुकान है उनकी। अच्छा, नमाज भी पढ़ाते हैं क्या? नमाज भी करते हैं। तो फिलहाल सिर्फ कॉस्मेटिक ज्वेलरी की शॉप है। तो क्या ये युवाओं से मिलते जुलते रहते थे जो लोग हैं? ऐसा कोई नहीं। ये बताइए कि बताया जा रहा है कि पीएफआई से कोई काम, पीएफआई के लिए काम कर रहे थे क्या वो? पीएफआई से तो ऑलरेडी जुड़े हैं। पीएफआई से जुड़े क्या है? पीएफआई में पीएफआई क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है। नहीं, वो क्या करते हैं पीएफआई के लिए? वो क्या करते हैं बोले तो, मतलब पीएफआई में किसी पद पे हैं, किसी उनका क्या पद है? पीएफआई तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें बतौर क्या है वो, किस पद पे हैं वो? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।